एक रामू नाम का आदमी अपने बेटे के साथ एक गांव में रहता था। उसका बेटा पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए उसने अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से दूर किसी शहर में भेज दिया। वहां एक अच्छे से विद्यालय में उसका दाखिला करा दिया। रामू का बेटा अब वहीं रहने लगा। लेकिन अभी उसे कुछ दिन ही हुए थे कि रामू को खबर मिलती है कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार हो गया है। ये सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता है। उस अपने बेटे की चिंता होने लगती है। वह अपने बेटे से मिलने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर चल देता है। बस ना मिलने के कारण और पैसे भी ना होने के कारण वह पैदल ही चलने की सोचता है। चलते चलते रात होने लगती है तो वह पास के किसी घर में रुकने की सोचता है। एक सज्जन व्यक्ति ने रामू को घर में रुकने की अनुमति दे दी। रामू वहीं नीचे अपना बिस्तर लगा कर लेट जाता है। रामू जिस घर में रुका था उसी रात उस घर में एक चोर घुस जाता है। अभी भी उसे अपने बेटे की ही चिंता हो रही थी। चोर चोरी करने ही वाला होता है कि तभी रामू की नींद खुल जाती है और वह चोर को देख लेता। रामू कुछ बोलता कि इससे पहले चोर खुद ही चोर चोर करके चिल्लाने लगा ताकि सबको ये लगे कि रामू ही चोर है। आवाज़ें सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और फिर बहस होने लगती है कि चोर कौन है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। जब कुछ भी फैसला नहीं हो पाया तो अगले दिन पुलिस को बुलाया गया। रामू और चोर दोनों ही अपनी अपनी बात को कहते हैं। पुलिस दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है। फिर पुलिस कहता है कि तुम्हारे इस मामले को मैं बाद में देखता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले अभी छुट्टी पर हैं, इसीलिए मैं तुम दोनों को वह काम दे रहा हूँ। तुम दोनों जाओ और रोड के किनारे एक लाश होगी, उसे यहाँ ले आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे इस मामले को सुलझाऊंगा। रामू और चोर दोनों लाश को लेकर आने लगते हैं। रास्ते में चोर रामू से कहता है कि अरे मूर्ख, अगर तूने मुझे उस दिन चोरी करने दी होती तो आज तुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। तू चोर ना होते ही भी आज चोर साबित हो जाएगा। ये सब सुनकर रामू बहुत निराश हो जाता है। दोनों लाश को लाकर पुलिस के सामने रख देते हैं। असल में ये कोई लाश नहीं थी, बल्कि ये एक जिंदा आदमी था जिसको पुलिस वाले ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और ये बता देता है कि दोनों में से असली चोर कौन है। उन दोनों की बीच हुई बातचीत को सच सच पुलिस को बता देता है। अब सब कुछ साफ हो गया है कि रामू निर्दोष है और असली चोर कौन है। तो इस कहानी से सीख मिलती है, पहली ये कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी झूठ बोलना चाहिए। दूसरी ये कि मुसीबत में बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अब असली चोर को जेल में डाल दिया जाता है और रामू अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाता है।